भैया फॉरन वन आउटलेट होता क्या है? चार फ्लेवर अलग अलग टेस्ट आते हैं, अलग अलग फ्लेवर आते हैं अलग। अरे वाह, तो पहली बार देखने जा रहा हूँ फोर इन वन ऑमलेट। तो ये देखिए, इसमें आप दो अंडे डल जाएंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले आएगी इसमें दो अंडों की हाफ फ्राई, तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चार इसमें लेयर रहेगी और अलग अलग फ्लेवर आएंगे सबके। ये देखिए, ये हमारा हाफ फ्राई यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये आ गया हमारा यहाँ पे हाफ फ्राई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब ये डल गए दो अंडे और, तो इसमें चार अंडे डल चुके हैं। भैया दुकान को कितना टाइम हो गया? दुकान पापा के टाइम से है, अप्रॉक्स 35 ईयर्स जैसे हो गया। तो देख सकते हो 35 ईयर हो चुके हैं और काफ़ी पुरानी शॉप है और अंडे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, तो कितने वैरायटी लग जाती है यहाँ पे? 80 से लेकर 100 तक 80 से 100 वैरायटी मिल जाती है। तो ये देखिए, हमारे चार यहाँ पे आ चुके हैं हाफ फ्राई यहाँ पे। तो टोटल कितने अंडे होते हैं भैया इसमें? इसमें 7 अंडे आएंगे। 7 अंडे। ये देखिए, ये आ गया अब येलो पार्ट यहाँ पे दो अंडों का। और ये आ गया नमक और ये आ गए मसाले भैया के। तो काफ़ी सारे इसमें मसाले रहते हैं। और ये आ गए हल्दी और ये देखिए ऊपर से हरा धनी डाल दी भैया ने। तो ये प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस है इसका 350। 350 रुपीज़। तो फोर इन वन ऑपलेट आपको 350 रुपीज़ मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं और काफ़ी सारे इसमें मसाले डालते हैं भैया। तो सूरत में कहीं आपने अगर बेस्ट ऑमलेट खाना है तो आप जय भोले ऑमलेट पे आके यहाँ पे ऑमलेट टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। तो भैया सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं? से ज़्यादा मतलब हमारा है जय भोले स्पेशल है, पेरी पेरी है जो लोड जाता है चीज़ से। देखिए यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर चीज़ डाल दी भैया ने। और ये देखिए, ये आगे मेयोनीज। ये आपको सूरत में कहीं नहीं मिलेगा, ये देखिए। तो भैया आपने स्टार्ट किया था ये? हाँ, हमने स्टार्ट किया। ये देखिए, ये ऊपर से ग्रेवी आ चुकी है। तो ये देखिए ग्रेवी आ रही है ऊपर। ये देखिए, ये आ गया ऑयल। तो देख सकते हो एक और येलो पार्ट आ गया यहाँ पे। ये आ गया नमक और ये देखिए, ये आ गए मसाले यहाँ पे। ये आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये आ गया हरा धनिया। तो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे मसाले रहते हैं। तो ये देखिए, ये आ गई चीज़ यहाँ पे और ये आ गई अमूल की फ्रेश क्रीम ऊपर से। तो ये हमारी सेकंड लेयर यहाँ पे रेडी हो रही है। बहुत ही अलग अलग टाइप की ग्रेवी बना दी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप। सबका टेस्ट अलग आएगा, चार लेयर रहेगी, चारों का टेस्ट अलग होगा। ये देखिए, ये आ गया ऑयल और ये देखिए येलो पार्ट आ गया फिर से। तो फिर से इसमें देख सकते हो काफ़ी सारे मसाले आ जाएंगे। नमक डाल दिया भैया ने और काफ़ी सारे मसाले डाल दिए हैं यहाँ पर। और ये आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे। और ये देखिए, ये आ गई इनकी स्पेशल हरी चटनी यहाँ पे। तो ये टेस्ट में एकदम बढ़िया रहता है, ये एकदम बढ़िया रहेगा सब, मतलब अलग अलग फ्लेवर जाएगा और सब में चीज़ ऐसा मतलब लगेगा मस्त मज़ा आएगा, एकदम मस्त मज़ा आएगा। और ये देखिए, ये आ गई मेयोनीज यहाँ पे, ये थर्ड लेयर है। तो ये आ गई थर्ड लेयर यहाँ पे, ये देखिए। तो ग्रेवी का कलर देख सकते हो, तीनों लेयर का कलर देख सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट है। एक थोड़ी रेडिश में, एक येलो में, एक ग्रीन में। अब हमारी बनने जा रही है यहाँ पे चौथी लेयर। तो ये देखिए, ये आ गया थोड़ा सा प्याज और ये आ गया यहाँ पे टमाटर। और ये आ गया नमक और ये मसाले आ गए। ये आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये देखिए, ये आ गया हरा धनिया और ये आ गई टमाटो सॉस। चार लेयर रहती, चारों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट रहता है। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। तो ये देखो, चारों लेयर आ चुकी है, साथ में इसके पाव लगेगा। तो कितने पाव रहते हैं साथ में? 10 पाव आएंगे। 10 पाव रहते हैं। तो फाइनली मेरा सूरत का फेमस फोर इन वन ऑमलेट यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये इसके चार कलर में आपको बताता हूँ, ग्रीन कलर में, रेड कलर है, येलो कलर है, ब्राउन कलर है। और इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने हाफ फ्राई डाली हुई, चार अंडों की हाफ फ्राई है। साथ में इन्होंने मुझे सैलेड दिया है और इसके साथ रहते हैं 10 पाव। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो जो इनकी ब्राउन वाली ग्रेवी है, इसमें थोड़ी सी खटास है और हल्का सा स्पाइसी है। थोड़ा सा स्पाइसी खाते हो तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इनकी रेड वाली ग्रेवी टेस्ट करूँगा। तो अभी तक की जो बेस्ट ग्रेवी है मेरे को रेड वाली लगी। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मसाले डाले हैं और इसमें जो सॉसेज डाले हैं काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। लास्ट में मैं ट्राई करूँगा इनकी ग्रीन वाली ग्रेवी। तो जो इनकी ग्रीन ग्रेवी है, थोड़ा उसका टेस्ट जो है वो हरी चटनी जैसा आ रहा है। ग्रेवी काफ़ी अच्छे से बनी, जो अंडे का येलो पार्ट होता है उससे बनाते हैं। और
जो ये मसालों का यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो इनके चारों फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो आप एक ही प्लेट में चार फ्लेवर्स का अलग मज़ा ले सकते हो। तो मुझे इनका ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगा। बात करें जैसे प्राइस की, इसका प्राइस है 350 रुपीज़। तो ये टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? शॉप की टाइमिंग है सुबह 11 से लेकर रात को 9 बजे तक, अभी कोविड का है इसके लिए, बाकी अपना रेगुलर टाइम है 11 बजे। 11 बजे तक चलता है पूरा? चलता है। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हफ्ते के सातों दिन ओपन रहता है, कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। अड़ाजन जय भोले ऑमलेट सेंटर, अड़ाजन पाटिया, धर्मबंधा कॉम्प्लेक्स के अपोजिट साइड में एग्जैक्ट। तो अगर आप तुरंत रहते हो या विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके एक बार ऑमलेट जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सारी वैरायटीज रहती है, 80 से 90 आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो अब इसको यहाँ पे मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।